नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। मैं जहां मौजूद हूं वो बिलथरा रोड नगर है, वार्ड नंबर 5 इसको बोला जाता है। कल जिस तरह की सोमवार के 10 बजे रात की घटना हुई है, बड़ी ही दुखद घटना थी। इसी परिवार का एक नौजवान इस दुनिया को जो है छोड़ गया, और घटना भी इस तरह से हुई कि लोग जो है हैरान और परेशान हैं, सोचने को जो विवश हो गए। आपने देखा होगा किसी भी जो है धार्मिक कार्यक्रम में आज एक डीजे जो है सकल बन गया है, और नौजवान तबका जो है डीजे के पीछे डांस करना जो है अपने आप को जो है क्या समझने लगा है, किस तरह की धार्मिक उन्माद उनके अंदर नजर आती है या किस तरह की भक्ति नजर आती है यह समझ सकते। घटना हुई जब वह एक क्लब के साथ जो है जा रहा था, पीछे पीछे डांस करते हुए चौक के मोड़ से आगे उभाव थाने तक पहुंचा था, और हल्दी रामपुर में विसर्जन का कार्यक्रम था, उससे पहले ही वह गश खा करके रोड पर गिर गया। जब तक उसे हॉस्पिटल लाया गया, डॉक्टर के द्वारा यह बताया गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो यह यहाँ जो उनकी माता जी हैं जो बहुत ही दुखी हैं, क्यों ना हो एक जवान जो है बालक, जवान जो है लड़का जो है रहलत कर गया, उनके बीच से जो है चला गया है, उनके लिए जो बहुत ही दुख और कष्ट का जो समय है। और यहाँ पे सुबह से जो सामाजिक लोग हैं उनका जो है तांता लगा हुआ है, परिवार को जो सांत्वना देने की के लिए लोग आ रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम के बाद जो थोड़ा देर पहले शव आया था और उसे जो है शमशान घाट ले जाया गया है अंतिम संस्कार के लिए, जो कि जरूरी है और हर धर्म में जो है वह किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे साथ जो है आदित्य जी मौजूद हैं, जो कि परिवार के साथ जो है लगे हुए थे। वार्ड नंबर 5 के जो सभासद सद्दाम हुसैन भी कल से लगे हुए थे। इन लोगों ने जो है लोगों को देखा है, परिवार को संभालने की कोशिश की है। तो इस समय जुआ नेता जो हमारे साथ रीना राव जी मौजूद हैं, जो कि परिवार को संतावना देने के लिए आई हैं, उनसे जो बात करेंगे और इस दुख की घड़ी में संतावना परिवार के लिए लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो बालक है उनकी माता जी से बात करते हैं। माता जी आपका क्या नाम पड़ेगा, कुछ बोलेंगे? आपके ये पुत्र थे जिनकी? हाँ। कैसा उम्र रही हो? 20 साल। नाम क्या था उनका? हिमांशु। ये पहले साल वह किसी जुलूस में गए हैं, किससे पहले भी जाते आते रहे हैं? ये बच्चा शुरू से जाते रहा। पूरा विसर्जन से जन करा के? क्योंकि जो यहाँ पे पास ही में पंडाल भी लगता है। अब किए का जन क्या हमें लाल के हो गए लोग। अच्छा, लोग बता रहे हैं कि कुछ बीमार उमर भी थे क्या कुछ दिनों से? नहीं, ढेर दिन का बार तन दर्द कर रहा, मुख से दवाई लिया ला लेट और सावन और खून चेक सब हो गए ला, कुछ ना लिख रहा ला। हाँ, तब जो छोड़ दे ला ना खा रहा। तो जैसा कि माता जी बता रही हैं, बोलने की स्थिति में पूरी तरह से नहीं है। जोशो खरोश के साथ एक तरीके से कहा जाए तो इनका बालक जो है दुर्गा माता को, माता रानी के जो कार्यक्रम में पूरी तरह से भाग लेते थे और विसर्जन तक की यात्रा जो करते थे, लेकिन संजोग ऐसा रहा या क्या महिमा रही होगी अब वो माता रानी ही जान सकती। तो यहाँ पे जो रीना राव जी है उनसे जो बात करते हैं, थोड़ा परिचय दे। मेरा नाम रीना राव है और मैं बेलथरा विधानसभा की तैयारी 2027 की कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे आई हूँ। बड़ी दुख की बात है, मेरे भी रोटे खड़े हो रहे हैं इनका गम देख के। और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा गार्जियन जो है बच्चों को थोड़ा सा वो करे, मोटिवेट करे, और बीमार बच्चों को तो खास तौर से कहूँगे। और जो बच्चा हिमांशु जो थोड़ा अस्वस्थ थे, और डीजे माध्यम हो सकता है या उनकी बीमारी कुछ भी कह सकते हैं इसको, जिसकी वजह से उनको चक्कर आया, गिर गए बेचारे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। और इनके परिवार में बहुत इस समय दुखों का पहाड़ टूट चुका है, और किसी का भी बच्चा रहेगा तो यही होगा। मैं यही कहूँगी माता जी से कि आप अपने आप को मजबूत बनाइए, दो बच्चे हैं आपके, बिटिया हैं, उन्हीं को देख के आप थोड़ा अपने आप को दम भरिए माता जी, मैं यही कहूँगी। बाकी कभी भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग हैं। और थोड़ा इसके माध्यम से मैं ये भी नव युवकों को संदेश देना चाहूंगी कि जितने भी बच्चे हैं थोड़ा डीजे उजे से दूरी बनाए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और थोड़ा अपने परिवार का भी ख्याल रखें, क्योंकि उनकी अकेले की जिंदगी नहीं होती है, उनके साथ माँ बाप, बहन भाई, गांव समाज सब जुड़ा होता है।
इसका वो विशेष ध्यान रखे हैं, यही कहना चाहूंगी। और तो रीना राव जी ने युवकों के लिए जो है बात कही है, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि युवा वर्ग को जो है ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को जो संभालना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे पीछे जो है हमारा परिवार है, अगर हमें कुछ होता है तो परिवार के लिए पर दुखों का पहाड़ जो है टूट पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं जो यहाँ पे हिमांशु का रोता बिलखता जो है परिवार है, उनका जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, दुनिया जो चलती रहेगी, लेकिन किसी दूसरे के साथ यह हादसा न होने पाए तो रीना राव जी की बातों से सबक लेने की जरूरत है। भारत मीडिया के लिए किस्म के साथ सबीर अहमद की रिपोर्ट, बने रहे भारत मीडिया के साथ।